तो आप ये बताइए कि आने वाले टाइम में जो है प्लांट्स कहीं एक्सटेंड तो नहीं हो जाएंगे, मतलब ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके सो ये बहुत ही जो है वो अच्छा टॉपिक है, क्योंकि प्लांट आप सब जानते हैं कि हम सब जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसकी जो है वो जानकारी के लिए हम जो है वो बहुत पीछे हमें पास में जाना पड़ता है। तो हम लोग जो है वो फॉसिल पे जो है वो स्टडी करते हैं। तो मेरी स्टडी जो है वो बैक 26 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो 26 मिलियन ईयर्स पुरानी अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे, यस 26 मिलियन ईयर्स बैक अगर हम यहाँ पे जाएं, तो हम उस टाइम पे जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे हमें उस टाइम पे भी जो है हमारे पास रेन फॉरेस्ट था और जो है वो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। उस टाइम पे आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि वहाँ का टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था आज के जो है वो तुलना में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन जो है वो भी हमारे पास 800 ppm, जस्ट डबल ऑफ टुडे, यस डबल इस टाइम पे जो है वो 400 ppm जो है वो चल रहा है। तो उस हार्श कंडीशन में भी अगर प्लांट्स हमारे पास वहाँ पे ग्रो कर रहे थे तो डेफिनेटली हमारे पास एक जो है वो चांस है, हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो है वो पूरे प्लांट्स अगर हम कहें या मेजोरिटी में जो है वो ख़त्म नहीं होने के चांसेस हैं। और हाँ, हो सकता है कि कुछ जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि कुछ की जो है वो रेजिलिएंट और रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम होती है। सो हो सकता है कि कुछ जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि पूरे प्लांट्स जो है वो हमारे एक्सटेंड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।